जय बाबा केदारनाथ। आप सभी भक्तों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लेके आए केदारनाथ यात्रा से जुड़े सभी लेटेस्ट अपडेट के बारे में संपूर्ण जानकारी की ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन शुरुआत कब से होने वाली है, इस समय केदारनाथ यात्रा का मौसम कैसा है और अगर आप इस समय यात्रा पे जा रहे हैं, जून में यात्रा करने वाले हैं केदारनाथ धाम यात्रा की, तो भीड़ कितनी मिलने वाली, रास्ते में जाम मिल रहा है नहीं मिल रहा है, तो ये सारे अपडेट आज आपको मिलने वाले और भक्तों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी भी है जो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको देने वाला हूं। तो वीडियो को आखिर तक देखिएगा और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, क्योंकि हमारे चैनल पर ऐसे ही यात्रा से जुड़े हुए इंफॉर्मेटिव वीडियो बराबर अपलोड होते रहते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू। तो सबसे बड़ा जो अपडेट निकल के आ रहा है, वो अपडेट निकल के आ रहा है ऑफलाइन तरीके से रजिस्ट्रेशन कराने वाले भक्तों के लिए। बहुत से भक्तों का रजिस्ट्रेशन नहीं, अब सभी को पता है कि ऑफलाइन तरीके से रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा था, 31 मई तक के लिए बंद कर दिया गया था। तो आज 1 जून है, तो आज 1 जून से ऑफलाइन तरीके से यात्रा के रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिए, क्योंकि बहुत से भक्तों का जो ऑनलाइन तरीके से रजिस्ट्रेशन कराना चाह रहे थे उनका रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा था और वो जो रजिस्ट्रेशन है वो 20 जून के बाद ही हो पा रहा था। जो लोग 1 जून से 20 जून के आसपास अपनी यात्रा करना चाह रहे थे, तो उनके लिए खुशखबरी है कि हरिद्वार पहुंचने के बाद, ऋषिकेश पहुंचने के बाद, वो ऑफलाइन तरीके से अपनी यात्रा का रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। अगर वो केदारनाथ की यात्रा पे जाना चाहते हैं या फिर वो चार धाम की यात्रा पे जाना चाहते हैं, तो बस इसमें भी एक इस बार कोटा लगा दिया गया है कि पर डे सिर्फ 4000 भक्तों का ही ऑफलाइन तरीके से रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। तो लगभग 4000 लोग से अगर ज़्यादा हो जाएंगे रजिस्ट्रेशन कराने के लिए एक दिन में, तो फिर उन भक्तों को रजिस्ट्रेशन के लिए रोक दिया जाएगा। तो ये कोटा जो है एक लिमिट सेट की गई ऑफलाइन तरीके से रजिस्ट्रेशन के लिए, और ऑनलाइन तरीके से रजिस्ट्रेशन अभी भी बंद है। जून का जो 20 जून के बाद जाना चाहते हैं वो ऑनलाइन तरीके से अपनी यात्रा का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो सबसे बड़ी खुशखबरी भाई यही, तो सबसे बड़ा अपडेट भी आज का यही है कि यात्रा का रजिस्ट्रेशन ऑफलाइन तरीके से शुरू हो चुका है। तो आप लोग अपनी केदारनाथ की यात्रा पर चारधाम की यात्रा प्लान कर सकते हैं। अब बात करते हैं भीड़ को लेके। तो केदारनाथ यात्रा के साथ साथ आप सभी को पता है कि चारधाम यात्रा में जब शुरुआत हुई थी तो बहुत ज़्यादा भीड़ देखने को मिल रही थी और बहुत ज़्यादा भक्त अचानक से रजिस्ट्रेशन वाले, बिना रजिस्ट्रेशन वाले सब केदारनाथ यात्रा, गंगोत्री, यमुनोत्री हर जगह पहुंच गए थे। इससे बहुत ज़्यादा अव्यवस्थाएं देखने को मिली थी और कितने लोगों की जान भी चली गई थी 30-32 लोगों की चार धाम यात्रा पे। तो ये सारी समस्याएं होने के बाद गवर्नमेंट ने ऑफलाइन तरीके से, ऑनलाइन तरीके से रजिस्ट्रेशन बंद कर दिए थे। भीड़ बहुत ज़्यादा थी, जाम थे रास्ते में, तो ये सारी चीज़ें थी, ये पूरी तरीके से अब कम हो चुकी है। चार धाम यात्रा में रास्ते में आपको बहुत ज़्यादा जाम देखने को नहीं मिलने वाला है अब, और मंदिरों में भी भीड़ थोड़ी सी कंट्रोल हो गई है। बस थोड़ी सी लंबी लाइन आपको देखने को मिल सकती है केदारनाथ यात्रा में जब आप जाते हैं, बाकी आपको गंगोत्री, यमुनोत्री और बद्रीनाथ धाम में बहुत ज्यादा लंबी लाइन देखने को नहीं मिलने वाली। तो अब आप बहुत आराम से अपनी चार धाम की यात्रा या फिर आप सब केदारनाथ की यात्रा करना चाहते हैं तो बहुत आराम से आप अपनी यात्रा प्लान कर सकते हैं। बस घर से निकलने से पहले लेटेस्ट अपडेट लेने के बाद ही आप अपनी केदारनाथ यात्रा, चार धाम यात्रा प्लान करें। अब बात करते हैं मौसम को लेकर। तो भाई मौसम केदारनाथ यात्रा की बात कर तो कहीं कहीं मौसम कभी कभी बिगड़ रहा है, कभी कभी मौसम साफ भी रहा है और दिन में 1-2 बार बरसात भी देखने को मिल रही है। तो अगर आप यात्रा पे हैं तो भाई रेनकोट छाता अपने साथ रखें और इधर आने वाले 1-2 दिनों में आपको बरसात देखने को मिल सकती है केदारनाथ मंदिर के आसपास और रास्ते में भी। बाकी वेदर ठीक ठाक है, बहुत ज़्यादा बरसात नहीं हो रही, हल्की फुल्की बरसात ही देखने को मिल रही। तो अगर आप जून में अपनी यात्रा प्लान कर रहे हैं तो भाई जून में जाके आप अपनी यात्रा बहुत आराम से कर सकते हैं। अब थोड़ी सी जानकारी देते हैं वीआईपी दर्शन को लेकर, क्योंकि बहुत से भक्तों के कमेंट थे कि भाई वीआईपी दर्शन कैसे होते हैं, वीआईपी दर्शन चालू हैं फिर चार्जेस क्या हैं। तो वीआईपी दर्शन के जो चार्जेस, हमारे इस बार सभी को पता है 21 रुपए से लेकर 51 रुपए वीआईपी दर्शन के लिए भक्तों को चार्ज देना पड़ रहा था, लेकिन बीच में जब भीड़ बहुत ज्यादा हुई केदारनाथ धाम में तो वीआईपी दर्शन पर रोक लगा दी गई थी। लेकिन इस समय वीआईपी दर्शन आम जो भक्त पहुंच रहे हैं उनके लिए तो वीआईपी दर्शन बंद किए गए हैं 10 जून तक के लिए, लेकिन जो भक्त हेलीकॉप्टर से पहुंच रहे हैं उनके लिए वीआईपी दर्शन अभी भी चालू हैं, जिसके लिए 21 रुपए से लेकर 51 रुपए तक भक्तों को देना पड़ रहा है। तो अगर आप हेलीकॉप्टर से अपनी यात्रा कर रहे हैं तो फिर आप वीआईपी दर्शन कर सकते हैं। आज की वीडियो में बस यही नए अपडेट आए थे सारे, और अगर आपको कोई सवाल है, आप जा रहे हैं केदारनाथ यात्रा पे, तो कमेंट कर सकते हैं, आपको तुरंत ही रिस्पॉन्स दिया जाएगा। बस एक रिक्वेस्ट, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे, क्योंकि हमारे चैनल पर ऐसे ही यात्रा से जुड़े इन्फॉर्मेटिव वीडियो बराबर अपलोड होते रहते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय बाबा केदार। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।